यहाँ बात है देश का असली किसान वर्सेस देश का फर्जी किसान। और क्या यही पूछ रहा हूँ कि क्या करें भारत की किसानों की समस्या का समाधान हो जाए, क्या करें कि ये आगे चल के ये ना बोले कि पानी का 10 रुपए का बिकता है और हमारा 1 रुपए किलो क्यों बिकता है। मैं यही तो पूछ रहा हूँ, यही तो करने बता देता हूँ। देखिए लौट के बुद्धू घर को आए, बिल समस्या थी एक साल, अरे बिल हम जो करना हम कर, उपज बढ़ गई, सारे कर्जे माफ हो गए, सारे किसानों के पास, अरे हम जो करेंगे कर लेंगे, तुम्हें कोई जानकारी नहीं है, डिबेट ही नहीं होनी चाहिए, तो खाली अपने नंबर बढ़ाने के लिए आए हो। सारी सारी समस्याओं का समाधान जो है ये बीच वाले बिचौलिए जो डिबेट में भी बैठे हैं, जो सड़क पे भी बैठे हैं, उन्होंने कर दिया। अरे तुम्हारा तो बर्बाद कर रहे हैं। आगे से आप नहीं चिल्लाएंगे ना कि पार्ले का बिस्कुट क्यों 10 रुपए का बिकता है और हमारा टमाटर क्यों 2 रुपए किलो। अरे हम जो जायज होगा वो बात कहेंगे। मिश्रा जी ये बात बताइए क्यों 50 रुपए किलो बिकते हैं। मिश्रा जी ये बताइए क्या आप नहीं चाहते, नहीं चिल्लाएंगे ना। अरे सुनो ना, किसान घर वापसी जा रहे हैं, खुश है किसान, आप परेशान लग रहे हैं, क्यों मैं जान सकता हूं? नहीं मैं परेशान नहीं हूं, मैं तो इनसे दुगना खुश हूं। देखिए लौट के बुद्धू घर को आए, देखिए लौट के बुद्धू घर को आए, सुबह का बोला भूला अगर शाम को जो है घर वापस चले आए, भूल नहीं उसको बोलते ना, 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 तो जो भी घर को आए। क्या टिप्पणी करी आपने, मैं सबके सामने बोल रहा हूँ, बड़ी बड़ी अपमानजनक टिप्पणी है ये, अपमानजनक टिप्पणी है, कोई अपमानजनक टिप्पणी नहीं है, सही कह रहे हैं कोई अपमानजनक टिप्पणी नहीं है। सठे साठम समाचार है, तुम क्या समझते हो तुम्हारे जैसे लोगों के लिए सम्मानजनक बात की जाएगी, टिप्पणी सम्मानजनक की जाएगी तुम जैसे लोगों के लिए जो सम्मान का हकदार होता है? अच्छा, उसको सम्मान दिया जाता है, जो सम्मान से बातें करता है उसको सम्मान दिया जाता है। मिश्रा जी आप किसान, अच्छा मलिक जी, अच्छा मलिक जी जो है वो किसान नहीं है, किसान भी ठेकेदार है, आप ये कह रहे हैं। चावला जी आज ही मैं एक वीडियो देख रहा था, ये ताऊ उधर जो बैठे हुए है ना अपनी बेटी के उम्र की लड़की को नचा करके डांस देख रहे थे, और इनको सम्मान दिया जाएगा और वो भी खुले मंच पे। मुझे अपनी बात कंटिन्यू करने दीजिए, मैं बहुत खुश हूँ, इन लोगों से बहुत ज्यादा खुश हूँ। उसके पीछे कारण है, किसान जा रहे हैं और इन्होंने सरकार को झुका दिया, पूरे देश की जनता को झुका दिया। अब देखिए कितने गजब के इनको फायदे हुए हैं, पर हेक्टेयर उपज एकदम बढ़ गई, दुनिया में नंबर 1 हो गई है, ठीक है। बिजली के बिल अब कभी किसानों को नहीं, हर किसान मिलियनेयर बन गया है, करोड़पति बन गया है टिकैत की तरह, और जो नेता है जो यहाँ एसी और दारू वगैरह होते थे वो अब हर किसानों को घर पे मिलने लगे हैं। अब किसानों को ना बीज की चिंता रही है, खेती से रिलेटेड जितनी दिक्कतें होती थी वो सारी दिक्कतें दूर कर लिया है इन्होंने एक साल में। तो इसमें खुश नहीं होंगे तो क्या होंगे? मैं उम्मीद करता हूं कि अब आगे से किसान जो है इन चीजों की, अब ये जो तथा कथित अपने आप को किसान बोलते हैं, अब वो ये नहीं बोलेंगे कि हाँ भाई अब हमको तो चड्डी भी सिलवाना है तो सरकार उसके लिए भी बिल लाए। सारी मांगे तो मान ली गई ना, सारी समस्याएं तो दूर हो गई, इतनी उपज बढ़ गई है, कीटनाशक फ्री में मिल रहे हैं, बिजली का बिल फ्री में मिल, सारी समस्याएं तो सॉल्व हो गई। अब कौन सी समस्या देश में किसानों की है जिसके लिए ये वापस आएंगे? एक समस्या बताइए जो इनकी बाकी रह गई हो। इनका उद्देश्य था बिल वापस लो, बिल वापस हो गया, बिल वापस होते ही किसानों की सारी समस्या खत्म, जो 70 साल पहले से थी और जो आगे 100 साल तक आती, तो मैं क्यों नहीं खुश होऊंगा? मैं तो भांगड़ा डाल रहा हूं। किसान जितने ताऊ बैठे हुए हैं वो 16 साल की लड़कियों का वहां पे डांस देख रहे हैं, अपनी बेटी के उम्र के लड़कियों का इस खुशी में डांस देख रहे हैं और बोल रहे हैं कि सम्मानजनक शब्द का प्रयोग करें। एमएसपी पर चर्चा नहीं होनी चाहिए आपको ये लगता है? अरे जरूरत क्या है एमएसपी पे चर्चा होने की? मिश्रा ये बोल रहे थे बिल वापस करो, बिल वापस हो गया, अब किस चीज पे चर्चा बाकी है भाई? जो काला बिल था वो वापस डब्बे में चला गया, अब किस चीज पे चर्चा करें बताइए ना, कौन सा टॉपिक बचा है? और हमने बता दिया सारी उपलब्धि हो गई, पर हेक्टेयर उपज बढ़ गई, बिजली हर घर में सोलर पैनल लग गया,
सारे किसान जितने गरीब थे वो सब करोड़पति बन गए हैं, सब लेमोजीन में मर्सिडीज में चलने लगे हैं, इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? जो उद्देश्य था वो पूरा हो गया। हाँ, कमी एक रहेगी कि अब घर जाएंगे तो घर में बीवी बच्चे भी रहेंगे, तो वहां ये सब दारू डांस वगैरह नहीं चलेगा, इस चीज की कमी है, और इसी के लिए लौट के फिर आएंगे ये अगर दोबारा आएंगे तो। अच्छा अच्छा, ये 700 किसान थे वो इसीलिए बैठे हुए थे जिनकी शहादत हुई, आपको ये लग रहा है? आप मुझसे पूछ रहे हैं चावला जी? एके मिश्रा, आप कैसी बातें कर रहे हैं जी? नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ ना, सुनिए, मैं जवाब दे रहा हूँ। जिनकी जान, अरे चावला जी, मैं 700 किसानों की दुखद मृत्यु पे भी मैं जवाब दे रहा हूँ, सुन लीजिए मेरी बात। मृत्यु किसी की भी हो, व्यक्तिगत तौर पे मैं उसको गलत मानता हूँ, मैं बड़ा दुखी होता हूँ। मैं ये बोलता हूँ कि जरा ये मुद्दा उठाइए कि उसके लिए जिम्मेदार कौन है? डॉक्टर को, जो आंदोलन करने वाले लोग हैं, क्या इनकी जिम्मेदारी? हुक्का का जुगाड़ तो हो गया, दारू का जुगाड़ हो गया, डॉक्टर का जुगाड़ नहीं हुआ। ये बताएं, ये सरकार को लिख के दे कि 700 किसान मरे हैं, और सरकार उसकी, ये इनको बोलिए कि ये सरकार से मांग करे जरा जांच करवाया जाए कि वो किसान कैसे मरे, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, और जो किसान मरे हैं उनको मुआवजा दिया जाए। मैं मांग करता हूं जो किसान मरे हैं उनके केस के तह में जाए और मुआवजा दे, जिनके कारण वो मरे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, एक सेकंड ले ना जिम्मेदारी। टिकैत कभी गए? आज तक टिकैत गए? ये चौधरी साहब नेता बैठे हैं, इनसे पूछिए एक किसान का नाम बता दे जिसकी मौत हुई हो, जिसके घर में ये गए हो, कौन से मरे हुए किसान के घर में ये गए हैं? इनको हुक्का गुड़गुड़ाने और लड़कियों का, बेटी के उम्र के लड़कियों का नाच देखने से फुर्सत मिले तब ये मौत की बात करें ना। अरे तुम डांस करवाते थे क्या वहाँ मिश्रा जी? अरे तुम करवाते थे, हम नहीं करवाते थे, तुम बेलते थे। अरे शर्म करो, क्या क्या बोल रहे हो, अपनी उम्र का लिहाज करो, तुमको ये नहीं पता कि क्या कहना है क्या करना है। शर्म तुम करो, अरे तुम्हें क्या पता है आंदोलन किस लिए था? कभी गए हो वहाँ तक? बैठे हुए हो डांस कर रहे हो, कहाँ आंदोलन था वो जगह पता है? ये सुनी सुनाई और फर्जी बातें करते हो, बीजेपी के पत्तल चाट बने हुए हो, ये पता करो कि आंदोलन कहाँ था, लोगों ने कैसे वहाँ ठंडी झेली, कैसे गर्मी झेली, कैसे बरसात झेली। चौराहे पे तुम कब्जा करके बैठे हो 50 बार। अरे चौराहे पे कब्जा किया तो चौराहे किसका है? चौराहे किसानों का है ना। हम देखते थे कि क्या क्या। अरे आप वहाँ तक गए नहीं हो, आपको जानकारी नहीं है, यहाँ हवा में बात कर रहे हो, ये गलत बात है मिश्रा जी। रखा हुआ है ना, ये बताइए, जब आप वहाँ तक गए नहीं हो, आपको वहाँ की जानकारी नहीं है, ये उलझुल बात करने से क्या मिलेगा आपको? सारा जो है जानकारी, ये उलझुल बात करने से क्या मिलेगा? अभी जो आप कह रहे थे, आपसे हम पूछने लगे हैं, अरे इन्होंने कहा था कि किसान की आय दुगनी कर देंगे, हो गई आय दुगनी? सारी जानकारी है। अरे इनको गन्ने का भुगतान कह रहे थे, 14 दिन में हो गया गन्ने का भुगतान, सारी जानकारी है। हमारा पशु सब खा रहे हैं, इनका जुगाड़ हो गया, ये बिजली कितनी महंगी आ रही है पता है? पता बताओ जिसकी मिश्रा जी, मैं तो पूरा एड्रेस भेज दूंगा। मैं 709 चेहरा उठा के चले जाओ। मिश्रा जी सुनो, तुमसे बड़ा झूठा कोई नहीं है, मैं 709 लोगों की लिस्ट में भेज दूंगा, मेरे पास है। किसान का नाम बताओ, उन 700 किसान। अरविंदर सिंह, लखविंदर सिंह, अरे मैं तो तुम्हें हजारों नाम बता दूंगा, मैं तो तुम्हें पूरी लिस्ट दे दूंगा। अरे चलो, अरे मेरे पास पूरे नाम की लिस्ट है और हम सब जगह गए हैं, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम खाली बीजेपी के पक्षधर हो और अंधभक्त हो, अंधभक्त हो, अंधभक्त, अंधभक्त हो। हमारे पास तो पूरी लिस्ट है, हम लोग गए हैं, हम लोगों ने उनकी मदद करी है। पूछ किधर होती है? तुमने किधर किया है? किधर होता है बैल की पूछ? किधर होती है तुम्हें नहीं पता है? तुम्हें खुद का नहीं पता कहाँ हो क्या हो? नशे में बोल रहे हो क्या? मतलब हम लोग हल चलाते हैं, हमें बैल की पूंछ नहीं पता है? नशा तो तुम्हारे ऊपर चढ़ा हुआ है। अरे ये सत्ता का नशा है तुम्हारे ऊपर मिश्रा जी, ये सत्ता का नशा है, झूठ का नशा है। कहाँ से तुमको पकड़ लाए आज तिलक जी? बैठते थे ठंड में और गर्मी में। अरे तुम देते थे नशे के लिए पैसे, मीडिया में भी खबरें आई थी। नहीं, तुम देते थे नशे के लिए पैसे, ये उलझुल की बात करते हो, ये उलझुल की बात मत करो किसानों के लिए। तुमको ये नहीं पता आंदोलन कहाँ हो रहा था, क्या स्थान था, कितना बड़ा आंदोलन था? अपने घर के कोठरी पर बैठ के बातें कर रहे हो, घर की कोठरी से बातें नहीं चलेंगी? लौट के बुद्धू घर को आए, फर्जी किसान वापस जाओ। अरे फर्जी किसान तो क्यों मान ली बात? कोई सम्मान? अरे मिश्रा जी, जब फर्जी थे तुम्हारे लिए
जब फर्जी थे तो क्यों मान ली बात? मिश्रा जी आपके पास कोई जवाब नहीं बनेगा, तर्कहीन बात कर रहे हो। कोई सम्मान नहीं तुमको, ये नहीं पता क्या करना है क्या कहना है। मुट्ठी भर किसान थे, फर्जी किसान थे, तो घुटने टेक दिए तुम लोगों ने। अरे क्यों घुटने टेक दिए, क्यों किसान की बात मान ली? किसान की मौत के जिम्मेदार जो ये नेता है, किसान फर्जी उनके। अरे तो करो ना कानूनी कार्रवाई। ये गए मुझे बताइए ना, 709 लोगों के जिम्मेदार का आरोप दर्ज होगा। ये हो रहा है कि तुम फर्जी वहाँ पे बैठे हुए थे। अरे हम तो कर रहे थे तो तुम रोक लेते ना, अगर तुम्हें लग रहा था कि गलत कर रहे हैं तो रोका क्यों नहीं? अरे हम तो तुम लोग निकम्मे हो, तुम कुछ कर नहीं पा रहे थे, तुम्हारी वजह से सब हो रहा था ना। मैं अरे देश रुक जाता है। अरे किसानों के लिए तुमने अपना रोना रोया है, तुम्हें किसानों से कोई हमदर्दी नहीं है, तुम्हें किसानों से कोई हमदर्दी नहीं है। तुम्हें वोट चाहिए, तुमको अपनी सीट का लालच है, तुम्हें लालच है, इसलिए जो है कानून वापस। समित भाई प्लीज, उसी से तुम्हारा घर चलता है, सत्ता की दलाली से। सरित मले, सरित मले प्लीज, किसानों ने तो दुनिया को वहां पर बैठ के अन्न खिलाया है। किसानों ने एके मिश्रा प्लीज प्लीज सरित मले। अरे सरित मले प्लीज एक सेकंड, एके मिश्रा करके कमरे में बैठ के बात बना रहे हो। जो लोग वहां किसान ठंडी में मर गए, बरसात में मर गए, गर्मी में मर गए, तुम गए नहीं हो, हमें तुम्हारी सच्चाई पता है, तुम क्या करते हो? अरे तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें पता होता तो यहाँ ना बोलते। दारू की बोतलें लेकर के किसान बोतले बैठे हो। कोई गलत काम हो रहा था तो सत्ता थी ना तुम्हारी, क्यों नहीं इस्तेमाल किया सत्ता का? अरे सत्ता हमारी 47 साल से आजाद, हजार साल तुम्हारी तो 2014 से आई है, तुम्हारे लिए तो देश 2014 से बना है। तुम लोग तो उनके अनुयायी हो जो ये देश में गद्दारी करते थे। हम इस देश के अनुयायी हैं, गद्दारी। लॉजिक कोई नहीं है तुम्हारे पास। मलिक साहब प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, एक मिश्रा प्लीज। एक सेकंड प्लीज प्लीज सर, एक मलिक साहब मेरी रिक्वेस्ट है, मैं इस तरह की डिबेट चर्चा नहीं करता हूं प्लीज। आप भी जानते हैं और एक मिश्रा भी जानते हैं, बेवजह इस मुद्दे को तूल देने से अच्छा ये है कि हम मुद्दों पर चर्चा करें। हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा कि ऐसी नौजवान बना दो जो 1000 से ज्यादा लठैर तैयार हो जाए और किसानों की पिटाई करें, इसमें चाहे उनको जेल जाना पड़े पर वो नेता बन जाएंगे और जमानत की चिंता ना करें। तो ये क्या नैरेटिव बनाना चाहते हैं, किसान को क्या चाहते हैं? मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूँ, चलिए जो हो गया वो सबके सामने है, लेकिन मैं एक उस विषय पर आना चाह रहा हूँ कि सरकार आपकी रही, सत्ता आपकी रही, यूपीए सरकार का भी मैं जिक्र कर दूं और इस वक्त भी तमाम राज्यों में आपकी सरकार है। मैं एक सवाल का जवाब आपसे चाहता हूं कि कौन सा ऐसा मॉडल है जिसका जिक्र करके हम ये कहें कि एनडीए सरकार जो है उसे लागू कर ले, मोदी सरकार उसे लागू कर ले। कोई एक ऐसा आपने उदाहरण पेश किया है किसानों के हितों के लिए, कोई ऐसा फैसला जो एक नजीर साबित हो? अभिनंदन क्या है? इनसे यही पूछ लीजिए, किसानों को टमाटर आलू का दाम कैसे मिले, क्या तरीका है, पूछ लीजिए जरा, देखें इनको कितना ज्ञान है किसानी का। ओके एक सेकंड, किसानी का ज्ञान सबको हो गया, मैं जानता हूँ, सबको मालूम चल गया है कि C250 क्या होता है, ये भी पता चल गया। तिलक जी आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे पास। 23 फसलों में से अभिमन्यु त्यागी बताइए ना, वो कौन सा ऐसा मॉडल है जो नजीर साबित हो, जिस पे हम संजीव वर्मा जी को कहें कि आप अपने राज्य में लागू कर लीजिए और अपनी यूपीए एनडीए सरकार को भी लागू करवा दीजिए। अभिमन्यु त्यागी, दुनिया भर में कांग्रेस पार्टी की जो नीति लागू हुई भारत पे, आज मछली उत्पादन में भारत नंबर वन है, सब्जी एक्सपोर्ट में भारत नंबर वन है, दाल एक्सपोर्ट में भारत नंबर वन है, वो सब कांग्रेस पार्टी की नीति की वजह से हुई है। इनसे पूछे कि कौन सी क्रांति इन लोगों अभिमन्यु त्यागी, एक के मिश्रा, पहले सरकारों ने किसानों की सारी समस्या दूर कर किसान सम्मान निधि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी।
फसल बीमा योजना मिश्रा जी, जब पहली सरकारें काम कर रही थी तो आप कहाँ थे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आई, ये बताइए। अगर ये कानून आए थे तो इनमें जमीन छीनने का प्रावधान था, आप पढ़ो उनको, उसमें लिखा था। किसान के हितैषी हैं हम, किसान के हितैषी हैं। आपने सत्तर सालों किसानों को आप जैसे लोगों ने ही तो बदनाम करने का काम किया है और फिर उन्हीं के सामने झुकने का काम किया। आपके लखैत ने किया है सर किसान। अरे लखैत के लखैत चलते तो आप वहां ना रुकते। देश के किसानों को ये बर्बाद कर रहे हैं। आगे से आप नहीं चिल्लाएंगे ना कि पार्ले का बिस्कुट क्यों 10 रुपए का बिकता है और हमारा टमाटर क्यों 2 रुपए किलो बिकता है? अरे हम जो जायज होगा वो बात कहेंगे। मिश्रा जी ये बात बताइए, क्यों 50 रुपए किलो बिकते हैं? मिश्रा जी ये बताइए, टमाटर क्यों 2 रुपए किलो बिकता है? आप नहीं चिल्लाएंगे ना? अरे सुनो सुनो, क्या आप नहीं चाहते किसान को फसल का दाम मिले? सुने यार, हमें पता है। क्या आपको नहीं पता फसल का दाम मिलना चाहिए? क्या उसको आधे रेट में फसल बेचेगा? अरे लौट के बुद्धू घर के आए, जाइए घर जाइए एक साल से घर वाले इंतजार। अरे बुद्धू तुम लोग हो, तुमको घुटनों पर हाथ जोड़ के माफी मांगी है। इकोनॉमिस्ट को समझना। अरे हाथ जोड़ के माफी किसने मांगी है? आपके हाथ जोड़ के माफी किसने मांगी है? आपके बस। अरे जिन्होंने मांगी होगी उनकी मजबूरियां रही होंगी। तो फिर क्यों उनकी चपरासगिरी कर रहे हो? जो हमारा स्टैंड था वो। अरे फिर उनकी चपरासगिरी क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्या मिलना, क्या लालच है? यहाँ बात है देश का असली किसान वर्सेस देश का फर्जी किसान। और हमारी असली किसान कौन होता है? तुम्हारे पास कौन सी मोहर है? अच्छा। हम आपको बैठा कर। अरे तुम्हारे पास कौन सी मोहर है ये बताइए? असली और नकली की क्या पहचान है ये बताइए? कब कब क्या हुआ? अरे ये आरएसएस वाले लोग थे जो हिंदू होने का सर्टिफिकेट बांटते, तुम किसान होने का बांटोगे? अरे किसान की एबीसीडी नहीं पता तुम्हें? तुम्हें किसान की एबीसीडी नहीं लिया? ये चीज अरे हमने तो करा दिया मिश्रा जी, हमने तो करा दिया। अगर तुम अंतर्गत ही आता है एमएसपी, पहले भी दिया जाता रहा है, आज भी दिया जा रहा है, आगे भी दिया जाता रहेगा। मिश्रा जी तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हारा तो स्क्रू ढीला हो गया है। किसान के बारे में एबीसीडी जानते नहीं हो। समस्या का समाधान, उपज बढ़ गई, सारे कर्जे माफ हो गए, सारे किसानों के पास। अरे हम जो करेंगे कर लेंगे, तुम्हें कोई जानकारी नहीं है। डिबेट ही नहीं होनी चाहिए, तो खाली अपने नंबर बढ़ाने के लिए आए हो। सारी सारी समस्याओं का समाधान जो है ये बीच वाले बिचौलिए जो डिबेट में भी बैठे हैं, जो सड़क पे भी बैठे हैं, उन्होंने कर दिया। अरे तुम्हारा तो भैया स्क्रू ढीला हो गया है। तुम तो ऐसे भोंकते हो जैसे गावारा गली के कुत्ते भोंकते हैं, उसी तरह भोंक रहे हो। हर अच्छा तुम्हें कोई लेना देना नहीं किसी मतलब से। भो करते रहो, गाड़ी चलती रहेगी, अपना भोंकते रहो। तो हाँ बताओ कैसा है? हर वो ऐसे ही बौखला जाता है तुम्हारे भोको ना। जब देखते हैं इस देश, जब तुम्हें ये नहीं पता कि किस रेट में गेहूं बिक रहा है, किस रेट में धान बिक रहा है, बताओ किस रेट में धान बिक रहा है? अरे तो कर लो ना, सब तुम खरीदने के लिए बैठे हुए हो तो अब रेट की बात। अरे एमएसपी कितनी है धान की बताओ? सारी एमएसपी पता है, बिल वापस हो गया, अब रेट तुमको। अरे तुम्हें कुछ पता नहीं है तो क्यों भोक रहे हो? भोकना बंद करो। अब अरे किसान की एबीसीडी जानते नहीं हो? बीजेपी की दलाली करते हो, उससे अपनी रोजी रोटी चलाते हो। बोलो रात के एंटरटेनमेंट का, क्योंकि अब तो एमएसपी बता दो तुम हमको, गेहूं की कितनी है, धान की कितनी है? जब तुम एमएसपी नहीं बता सकते तो किसान की चर्चा में क्यों आ गए हो? वापस हो गया बिल, समस्या थी एक साल। अरे बिल हम जो करना है हम करा लेंगे, तुमसे ठेका नहीं लिया है। तुमको तो भोकना है कुत्ते की तरह भोको, बताओ कितनी एमएसपी है मिल करके? अरे जो अन्न उगाता है, जो मेहनत करता है, जो फसल बेचता है, दर्द उसको होता है। और तुम तो चमचागिरी करके ले आते हो, बताओ ना कितनी एमएसपी है? तुम ये बता दो मिश्रा जी, धान की एमएसपी क्या है, गेहूं की एमएसपी क्या है, तब आगे बात करना। नहीं तो जाओ इनके पत्तल चाटो, इनसे अपना चंदा लो और अपना घर चलाओ। वहीं बैठ के सड़क पे जो है चिल्लाने के लिए आते हैं। अरे हम कहीं चिल्लाएं? हमने सरकार को झुका लिया, अपनी बात मनवानी,
तुम्हारी सरकारी है मलिक साहब जिसकी जानकारी नहीं है उस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आ गए हो। यही था कि असली किसान, अरे जब तुम्हें ये मलिक साहब चर्चा किस बात पर कर रहे हो, असल का भाव बता दो तुम। मैं ऑडियो पीछे कर रहा हूं मलिक साहब प्लीज। अब तुम्हारे एके मिश्रा साहब असली बात आ गई है, अब तुम्हारे एके मिश्रा साहब असली बात आ गई है। एके मिश्रा, अरे ये फर्जी कहां से बैठा लिया तिलक जी, इसका स्क्रू ढीला हो रहा, कुत्ते की तरह भौंक रहा है। मिश्रा जी बिचौलिए लोगों को, जो ना तीन के है ना तेरह के है। अरे हम तो सब कुछ करते हैं, हमने तो जो है जो चाहिए था वो ले लिया, लेकिन तुम्हें तो फसल का रेट तक नहीं पता है। देखो किसानों वाली आटा भी मांग के लाते हो, खरीद के लाते हो। मिश्रा जी आटा मांग के लाते हो, खरीद के लाते हो। हम पैदा आटा मांग के लाते हो, खरीद के लाते हो, ये बताओ। हम पैदा करते हैं, झोला लेके जाते हो क्या सुबह? वही खाता आपको दे। अरे झोला लेके जाते हो मोहल्ले में, कितनी खेती है, कितने बैल है, कितने जानवर है, उसकी भी डिटेल दे दूंगा। बताओ पहले ये बता दो एमएसपी गेहूं की कितनी है, एमएसपी बता दो गेहूं की, धान की बता दो, नहीं तो सुबह झोला लो। मलिक साहब तुम्हारी मलिक साहब आपकी लड़ाई मिश्रा जी से है क्या? एक सेकंड वापस तो अब किस चीज पे बात करें तुम लोग? एक सेकंड प्लीज मिश्रा जी की मिश्रा जी प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज बात करने के लिए पड़े हुए आप डिबेट डिबेट करने बैठे क्या? मिश्रा जी प्लीज मिश्रा जी पड़े हुए हो फटे की तरह, बस बहुत हो गया। मिश्रा जी मेरा ऑडियो आ रहा है आपको? मिश्रा जी आपकी आवाज, ये गली मोहल्ले की डिबेट बना दी क्या आपने? मिश्रा जी मैं कनेक्ट करवा रहा हूं आपको, क्लियर करिए। मजाक बना दिया आपने मिश्रा जी, क्लियर करवा रहा हूं मैं आवाज, लेकिन कम से कम भाई मजाक बनाने एक हद में एक दायरे में रहता है। ये सियासी टूटू है, मैं जुलूल बातें सुनने के लिए तो मजाक आप मुद्दों पे आप राजनीतिक विशेषज्ञ की भूमिका निभाइए ना। अगर आपको कभी दिखाई देगी तो आप वो बताइए, आप सभी परिप को तारीफ कर रहे हैं। वापस तो समस्या हो गई तो बैठने की क्या दिक्कत है, क्यों बैठ रहे हैं आप? ये कह रहे हैं कि समस्याएं खत्म, आप क्या करेंगे? समस्याएं खत्म कौन किसान है कौन नहीं, आप क्या करेंगे? क्या कौन फर्जी किसान है कौन? आप सर्टिफिकेट बांट रहे क्या मिश्रा जी? प्लीज एक सेकेंड सविंद, एक सेकेंड कम से कम सुन तो लीजिए। संजीव वर्मा जी को पूछ रहा हूँ कि क्या करें भारत की किसानों की समस्या का समाधान हो जाए, क्या करें कि ये आगे चल के ये ना बोले कि पानी का बिल 10 रुपए का बिकता है और हमारा 1 रुपए किलो क्यों बिकता है? मैं यही तो पूछ रहा हूँ, यही तो करने जी बता देता हूँ, बता दे उसका उदाहरण दे देता हूँ। संजीव वर्मा जी को यही पूछ रहा हूँ कि क्या करें भारत की किसानों की समस्या का समाधान हो जाए, क्या करें कि ये आगे चल के ये ना बोले कि पानी का बिल 10 रुपए का बिकता है और हमारा 1 रुपए किलो क्यों बिकता है? मैं यही तो पूछ रहा हूँ, यही तो करने मरे जी बता देता हूँ, बता दे उसका उदाहरण दे देता हूँ, उसका उदाहरण दे देता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। उसका उदाहरण दे देता हूँ, उसका उदाहरण दे देता हूँ। मॉल में जाते हैं ना आप लोग, तो मॉल वाले हैं, मॉल पॉपकॉर्न खाते हैं ना, पॉपकॉर्न अंग्रेजी में पॉपकॉर्न 100 रुपए का, 50 रुपए 50 पैसे किलो नहीं बिकता, 100 रुपए। मैं उसी एमएसपी का जिक्र कर रहा हूँ, क्यों बिकता है इस मुद्दे जी, मैं उसी का जिक्र कर रहा हूँ, तो उसी का जिक्र क्यों फिक्र करिए? इसी मुद्दे पर बात करना चाह रहा हूँ। आप डिबेट को फर्जी किसान और असली किसान के लिए है, हाँ तो आपने कर दिया ना। एक सेकंड रुकिए ना मिस्टर, प्लीज एक सेकंड आप सुन लीजिए इनको, सर एक मिनट सुन लीजिए ना, कबूल कर आप सुन तो लीजिए। सरकार को झुकाना हमारा मकसद था, इन्होंने अपने मुंह से कबूल किया जी, सारा मकसद ठीक है हो गया। एक ओके बता दीजिए, एक सेकंड मिश्रा जी, मिश्रा जी मुद्दे पे आ जाओ, मुद्दे पे आ जाओ, मुद्दे पे आ जाओ, मुद्दे प्लीज। मैं ये कह रहा हूं कि जो सरकार खरीद करती है जिसका जिक्र आप वर्मा जी कर रहे हैं, मैं उसी पर आ रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि एमएसपी पर खरीद जो करती है सरकार, 60% जो है वो व्यापारी एमएसपी पर बेचता है, 60%। अब एमएसपी पर 4,00,000 करोड़ की जो खरीद होती है उसमें से, जिसका दावा आप कर रहे हैं, अगर मैं गलत हूंगा तो करेक्ट कर दीजिएगा, 2,50,000 करोड़ जो है वो सरकार किसानों को दे देती है और 1,50,000 करोड़ जो है वो व्यापारियों की जेब में जाता है। वर्मा जी मैं गलत बोल रहा हूं? ये कौन सी एमएसपी पर खरीद की आप दुहाई दे रहे थे? लेकिन किसान को अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो सरकारी एजेंसी तय करती है
वो मिल जाए तो उसमें देश को क्या दिक्कत है या आपको क्या दिक्कत है? ओके एके मिश्रा, देखो कार्यक्रम माइंड अप करना, 10 सेकंड आपके पास है, जल्दी से। और मेन मुद्दा ये है, इन्हीं किसानों ने ये उठाया था, हमारा गेहूं बिकेगा सड़क पे सड़ेगा, पार्ले का बिस्कुट बिकेगा 10 रुपए का, टमाटर हम फेंकेंगे सड़क पे 2 रुपए किलो नहीं बिकेगा, और उसके चिप्स वगैरह जो कंपनियां बनाती हैं 50 रुपए किलो। मुझे तो इसी समस्या का समाधान दे दीजिए, ये बिल वगैरह जो है ना वो सब चीजें इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए कुछ ना कुछ होता है, एमएसपी वगैरह भी इन्हीं समस्याओं। मुझे एक मॉडल जो अपने आप को बहुत विद्वान बनता है किसानों की तरफ से, आप उनको ले आइए और सुबह से शाम तक डिबेट करवा लीजिए कि किसानों की जो इकोनॉमिक्स की, पैसे की, इनकम की प्रॉब्लम हो कैसे दूर करें। अपना मॉडल ये बना के ले आए, अपना मॉडल बना के मैं ले आऊंगा। 2015 रुपए अभी एमएसपी डिसाइड हुआ है ये गेहूं का, इससे सारे किसानों का भला हो जाएगा? कितने ऐसे किसान है देश में जो जो है हजारों क्विंटल गेहूं उगाते होंगे बड़ों को छोड़ करके, छोटे ऐसे हैं, कैश क्रॉप का कॉन्सेप्ट कहां गया? सारे फसलों पे तो एमएसपी दे नहीं रही है सरकार, ना देगी कभी। मिश्रा जी, टमाटर पे एमएसपी मिल रही है? मिश्रा जी, यही तो मैं चर्चा करना चाह रहा था। मैं तो चर्चा करना चाहता था, प्याज और आलू का भी जिक्र कर लीजिए ना, टमाटर का जिक्र जो करते हैं। बिल्कुल करेंगे, प्याज और आलू का भी करेंगे। क्यों किसानों को प्याज का दाम नहीं मिलता, व्यापारियों को मिलता है, बिचौलियों को मिलता है? चर्चा होनी चाहिए मिश्रा जी, मिश्रा जी, मिश्रा जी, कल सुबह से शाम तक कर लीजिए, इकोनॉमिस्ट को बैठा लीजिए, किसानों को बैठा लीजिए, हम तो तैयार हैं। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करूंगा, पक्का। मैं तो पिछले 1 साल से कर रहा हूं साहब, उनको बोले जो हिंदू मुसलमान करते हैं रोज, जो कमला के छज्जे पर चर्चा करते हैं, मैं उनमें से। आपने चावला जी, आप जानते हैं सीओ डिबेट मेरे साथ किसान के मुद्दे पे की है, मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। मैं एक चीज और बोलता हूँ, एमएसपी की गारंटी आप और ले लीजिए, 100 रुपए 200 रुपए बढ़वा दीजिए, तब भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, वही खड़े रहेंगे किसान। मलिक साहब, वक्त की जरूरत नहीं दे रहा। बहुत बहुत विद्वान लोग जुड़े हुए हैं, मिश्रा जी आपका ज्ञान भी मैंने देख लिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया वर्मा जी आपका भी, मलिक साहब आपका भी, एके मिश्रा आपका भी, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन यहाँ सवाल यही था कि आंदोलन से किसे फायदा और किसे नुकसान। इस 1 साल 16 दिन में किसानों ने बहुत कुछ देख लिया, लेकिन यह बहुत अच्छी बात है कि आज देश में चर्चा किसानी की हो रही है, और यही देश चाहता है। क्यों आप बढ़ते हैं हिंदू और मुसलमान ने, किसान तो एक ही धर्म है, वो है किसानी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।